हाय, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की हिंदी रेसिपीज में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घेवर की रेसिपी, और साथ ही मैं आपको मैं बताऊंगी सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे घेवर सही बनता है। अगर आप घेवर ट्राई कर चुके हैं और सही नहीं बनता है तो आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर ट्राई करें। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप मेल्टेड यानी पिघला हुआ घी। ये पिघला हुआ ही होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप डालें 3 से 4 बर्फ के टुकड़े और इसे इस तरह से फेंटें। वैसे आप 2 बर्फ के टुकड़ों से भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसे फेंटने लगेंगे तो ये जो मिक्सचर है ना, एकदम मक्खन की तरह नजर आने लगेगा। तो एक बार ये बहुत ही अच्छा फ्लफी मक्खन जैसा मिक्सचर बन गया, और तब तक अगर आपके बर्फ के टुकड़े पिघले नहीं है तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इस घी में डालें 2 कप मैदा। मैदे को आप हल्के हाथ से मिला लें, तो इसे आटा गूंदने की तरह ना करें, केवल अपनी उंगलियों से आप मिक्स करें इस तरह से। घेवर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, बस टेक्निक का कमाल है। मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हमें डालना है पानी। तो पानी भी आप ठंडा यूज करें। अगर पानी ठंडा नहीं है तो आप बर्फ के टुकड़े डालकर उसे ठंडा कर सकते हैं। शुरुआत में कम पानी डालें ताकि आप एक स्मूथ बैटर बना सकें, पर ठंडा पानी डालना बहुत जरूरी है। हमें इसका जो मिक्सचर है, जो बैटर है, इसे बनाना है एकदम पतला। तो जो घेवर का बैटर होता है ये बहुत ही पतला होता है, लगभग छाछ की तरह। अगर आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो घी में डालते से ही नीचे चला जाएगा और आपका जो घेवर है ये जालीदार नहीं बनेगा। अगला हमें डालना है 1/4 टीस्पून नींबू का रस। नींबू का रस इमल्सिफिकेशन में मदद करेगा, मतलब हमने घी डाला है यानी फैट, और इतना सारा हम पानी डाल रहे हैं तो घी इसमें से फट सा ना जाए, अलग ना हो जाए, तो इस चीज को इकट्ठा रखने में नींबू का रस यानी एसिड मदद करेगा। तो इसलिए इसे स्किप ना करें, टेस्ट बिल्कुल भी इससे खराब नहीं होगा। और ये देखिए बैटर हमें चाहिए इतना पतला, तो काफी पतला हमें बैटर चाहिए। पर अगर आपको बनाने के समय लग रहा है कि आपके जो घेवर है इसमें जाली नहीं आ रही है, बैटर नीचे चिपक रहा है, तो और पानी डालें। घेवर फ्राई करने के लिए हमें चाहिए देसी घी। तो रिंग यूज की जाती है अक्सर, कढ़ाई या किसी बर्तन में एक रिंग रख के उसके अंदर घेवर बनाया जाता है, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ सॉस पैन। तो ये काफी सीधा होता है, नीचे बिल्कुल गोलाई नहीं होती है और काफी ऊंचा होता है, तो इसमें डायरेक्टली घेवर बनाया जा सकता है। वैसे आप कढ़ाई में या फिर कुछ ऐसा जो थोड़ा सा ऊंचा होता कि जब घी उड़े तो यहाँ वहाँ ज्यादा ना उड़े, ऐसा कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो घेवर का बैटर हमें बहुत थोड़ा थोड़ा एक समय पर डालना चाहिए। ये देखिए घेवर बन गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, घी एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, कि जैसे आप ये थोड़ा सा बैटर डालें तो ये बैटर इस तरह से साइड में जाना चाहिए। और घी गर्म तो होना चाहिए, बैटर भी पतला होना चाहिए, और एक साथ ज़्यादा बैटर नहीं जाना चाहिए। एकदम थोड़ा थोड़ा बैटर आप करछी में पकड़ कर डालें, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बैटर एक साथ डालेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा, गुठली बन जाएगी और जाली नहीं बनेगी। और यही चीज़ अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तब भी जाली नहीं बनेगी। तो ये देखिए मैंने कुछ घेवर यहाँ पर बना लिए हैं। अगर आपको बीच में ज्यादा गंदा चाहिए तो आप थोड़ा पहले रुक सकते हैं, मतलब बैटर डालना बंद कर सकते हैं। घेवर बनाना बहुत आसान है, बस ध्यान रहे कि बैटर पतला हो, ठंडे पानी से बनाया गया हो, घी एकदम गर्म हो, और बैटर आप एकदम थोड़ा थोड़ा ऐसे एकदम पतली धार या फिर बूंदों बूंदों से डालें, ताकि जो आपका घेवर है इसमें अच्छी जाली बने। अब बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी। चीनी में डालें 1/4 कप पानी और इस चीनी को अच्छे से मिला लें। हमें चाशनी बनानी है मीडियम गाढ़ी एक तार वाली, जैसी हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। अगर आपको ज्यादा चाशनी बनानी है तो आप 1.5 कप या फिर 2 कप चीनी से बना सकते हैं। हमारी चाशनी ये रेडी है एक तार की। आखिर में डालें 3 से 4 बूंदे नींबू के रस की। इससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, मतलब आपकी जो चाशनी है ये ऐसी ही पतली रहेगी, वापस से चीनी चीनी सी नहीं होगी, सूखेगी नहीं। अब इसे डालें आप घेवर पे। अब चाशनी आप कितनी डालना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, पर अच्छे से भीगा हुआ जो घेवर होता है अच्छा लगता है, और जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होती है वो आपकी नीचे प्लेट में या फिर अगर आप चलनी यूज कर रहे हैं उसमें निकल आएगी। अब आप घेवर को चाशनी के बाद ही ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर रबड़ी भी लगा सकते हैं, क्योंकि रबड़ी और घेवर भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रबड़ी की रेसिपी मैंने हाल फिलहाल में ही पोस्ट की थी, इसे बनाना भी बहुत आसान है, आप वो रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो रबड़ी को अच्छे से फैलाएं,
जैसा कि मैंने कहा कि आप केवल चाशनी में भिगोया हुआ और ड्राई फ्रूट से सजाया हुआ घेवर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मलाई घेवर अगर आपको बनाना है तो ऊपर से रबड़ी भी डालें। और साथ ही मैं डाले कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैं डाल रही हूँ बादाम और पिस्ता, आप काजू भी डाल सकते हैं। मुझे मलाई घेवर बहुत पसंद है। आपको नॉर्मल चाशनी वाला घेवर या फिर मलाई घेवर में से कौन सा ज़्यादा पसंद है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। रक्षाबंधन बस आने ही वाला है, तो आप घर पर हाइजीनिक तरीके से इस तरह से घेवर बना सकते हैं। जितने आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें डाल सकते हैं, कम डालना है कम डालें, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें। अगर आप चाहें तो ऊपर से इसे और गार्निश कर सकते हैं चांदी की वर्क से या फिर जो गोल्ड वाली वर्क आती है उससे, पर ये स्टेप ऑप्शनल है। इस तरह से अगर आप सजाएंगे तो आपका घेवर और भी सुंदर लगेगा, पर हाँ ये ज़रूरी स्टेप नहीं है। अगर आप सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप मलाई घेवर पसंद करते हैं तो आप क्या करें कि रबड़ी बनाकर फ्रिज में रखें, और जो घेवर है इसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं। तो जब आपको सर्व करना होगा तभी आप इसके ऊपर रबड़ी डालें, क्योंकि रबड़ी डालने के बाद आपको रेफ्रिजरेट ही करना पड़ेगा और घी इसमें जम जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। Thank you.